दोस्तों स्वागत है आपका अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट टेस्ट पीजीटी के पेपर वन में पूछे गए हैं जीके और करंट अफेयर से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्या क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स के थे, जिसमें जो 21st क्वेश्चन जो था फर्स्ट क्वेश्चन वह था हड़प्पीय लिपि के विषय में निम्नलिखित में से एक सही है। तो दोस्तों यह रोमन लिपि से तुलनीय, ये गलत पॉइंट है। देवनागरी की तरह भांति ये बाएं से दाहिने ओर लिखी जाती, यह भी इससे मैच नहीं खाता है। और यह वर्णमालात्मक लिपि ये भी इससे मैच नहीं खाता है। अगर आप हड़प्पीय लिपि को देखेंगे तो वह एक फोटोग्राफिक पिक्टोग्राफिक लिपि है, स्क्रिप्ट है, राइट, चित्रलेख लिपि है अगर आप उसे देखेंगे। हालांकि यह अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि उन्होंने लिखा क्या है, लेकिन वो लिखा चित्रलेख के रूप में। तो इसका ऑप्शन एक सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, संविधान सभा के उद्देश्यों का उल्लेख करने वाले उद्देश्य प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था। तो दोस्तों बीआर अंबेडकर जी जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था और बीएन राव जी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर नियुक्त किए गए थे। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो मुंह किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर वन होगा। अगला क्वेश्चन है, पेरेस्ट्रोइका की आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार नीतियों का आरंभ निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है मिखाइल गोरबाचेव जो है वह आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार की नीतियों का आरंभ इनके नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन थ्री सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन आबादियों की अन्योन क्रियाओं में दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है। तो दोस्तों जो म्यूचुअलिज्म होता है उसमें जो म्यूचुअलिज्म की अन्योन क्रियाएं होती है उसमें दोनों ही प्रजातियों को लाभ होता है, जबकि कॉम्पिटिशन में एक प्रजाति आगे बढ़ जाती है एक प्रजाति पीछे रह जाती है। इसलिए इसका आंसर थ्री, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राउन एजेंडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमें यह पता करना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ब्राउन एजेंडा का संबंध प्रदूषण, कचरा निष्पादन, शुद्ध पेयजल प्रबंधन और आवास उपलब्धता जैसी समस्याओं से है। तो यह ऑप्शन सही है, ट्रू। ब्राउन एजेंडा अंत पीढ़ियों की असमानता को महत्व देता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ब्राउन एजेंडा शहरी गरीबी की स्थानीय समस्याओं और वांछितों से जुड़ा हुआ है, यह भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है। और ब्राउन एजेंडा का संबंध शहरी और औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण समस्या से है, तो यह भी इसका ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया सत्य नहीं है, तो ऑप्शन टू इज राइट आंसर, क्योंकि यह फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 के एशियाई खेलों में बैडमिंटन का रजत पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो दोस्तों जो सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2018 के एशियन गेम में जीता था, तो इसका ऑप्शन फोर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन टू राइट आंसर है, कर्नाटक में। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धारमैया जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन टू राइट आंसर है कि जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क का जो रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है वो कर्नाटक राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रतिष्ठित सम्मान मेन बुकर प्राइज 50th एनिवर्सरी जो थी उसकी 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशिष्ट गोल्डन मेन बुकर प्राइज जीता है। तो दोस्तों मिशेल ऑन्ट जी ने यह पुरस्कार हासिल किया है, तो इसका ऑप्शन टू राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, धारणीय विकास लक्ष्य कब से प्रभाव में है। तो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सितंबर 2015 में रखा गया था यूएन असेंबली में, जिसमें 17 गोल्स थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, लेकिन वो 1 जनवरी 2016 को फोर्स में अप्लाई हुए थे, मतलब दे आर एक्ट इन एक्ट बाय फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2016। तो इसका ऑप्शन टू सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती पैटर्न समतल उपजाऊ कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आयताकार। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा
जो जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस केवीएस पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे, हम आने वाली वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत से तुरंत हमारी तरफ से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।